सो गाइस, संचित चन्ना का नया एल्बम आया है और उस एल्बम के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो में जो शायद आपको अभी तक ना पता हो और सुन के आप शॉक में आ सकते हैं। और वो एल्बम कौन सा है ये भी आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब? मेरा नाम है एडाकिन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संचित चन्ना के नए एल्बम के बारे में, वो बातें जो शायद अभी तक आपको नहीं पता हो। पहली चीज, उस एल्बम पे 3.3 मिलियन प्लस व्यूज आ चुके हैं एक ही दिन में, 43,000 लाइक है उस पे, और भाई साहब 1,300 उस पे कमेंट आए हैं और उस सारे कमेंट में भाई साहब संचित चन्ना का जिक्र हुआ है। मतलब मैं आपको बता दूं 95% संचित चन्ना से ही रिलेटेड वहां पे कमेंट आए हैं। तो भाई साहब, संचित चन्ना उस एल्बम पे 3.3 मिलियन व्यूज आए हैं और उस सारे व्यूज का क्रेडिट जाता है संचित चन्ना को, क्योंकि भाई जिस तरीके से वहां पे लोग कमेंट किए हैं, अब भाई साहब सारे संचित के सपोर्टर हैं। अब मैं आपको बता दूं कि वो एल्बम कौन सा है। तो भाई साहब, उस एल्बम का नाम है काले शर्ट वालियां और वो एल्बम अपलोड हुआ है देसी मेलोडीज पे। अब वो एल्बम कौन सा है भाई साहब, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जाके आप संचित चन्ना का नया एल्बम देख सकते हैं। और वहाँ पर जाके मुझे ये भी बताइए कि वो कैसा आपको एल्बम लगा, क्या संचित चन्ना आपकी फेवरेट है या नहीं, से कमेंट बॉक्स में बताइए। ये सच्चाई मेरे भाई, लव यू गाइस एंड थैंक यू मेरे भाई लोग।